हमारा सिग्नेचर मशीन है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग। इसके टेक्नोलॉजी पे हमारा कंपनी बेस्ड है। तो इसका टेक्नोलॉजी क्या, लिक्विड लेटर्स। पहली बार हम ये टेक्नोलॉजी लेके आए इंडिया में। इसमें दो सैनिज बना सकते हैं आप, एक तो नॉर्मल एल्यूमिनियम वाला लेटर्स बना सकते हैं और एक एसएस का लेटर्स भी बना सकते हैं आप। सो ये है हमारा सेमी ऑटोमेटिक। सो इसमें लेटर्स बेंड करते हैं, एल्यूमिनियम चैनल इसमें फीड होता है। फीड होने के बाद बेंड होके थ्रू सॉफ्टवेयर बन के आता है, फिर इसको इससे हम लोग सैनिजेस बनाते हैं। मशीन के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ भी डिजाइन प्रिंट करके हम उस पर पेस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। आज मैं आई हूँ प्रगति मैदान, जहाँ पर लगा हुआ है मीडिया एक्सपो। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 12, 13, 14 सितंबर तक लगेगा। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। ये इंडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग और साइनेज सॉल्यूशन के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेड शो है। यहाँ पर आपको प्रिंटिंग, साइनेज और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। पर बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इसे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मीडिया एक्सपो में क्या कुछ खास नया होने वाला है। हेलो सर, स्टार्टिंग विद योर नेम एंड योर कंपनी नेम। माय नेम इज अरुण प्रसाद, आई एम लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द बैक एंड सपोर्ट फॉर कंपनी एंड आई। और सबको स्वागत है हमारे स्टॉल में। हमारा 3 verticals है कंपनी में, एक तो है मशीन्स, एक है प्रोडक्शन और एक है रॉ मटेरियल्स। सो यहाँ पे देखेंगे पूरा हमारा मशीन्स का डिस्प्ले है। यहाँ पे ये सब बेंडिंग मशीन्स है, हमारा बेंडिंग मशीन्स है, वहाँ देखेंगे। सर ये कंपनी कहाँ से है? ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई है, फैक्ट्री हमारा चेन्नई में है। सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 5 साल हो गया। सर आपने जो मशीनरी शोकेस की हुई है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में बताएंगे? ये सब देखेंगे तो हमारे पास तरह तरह की मशीन्स है फॉर एडवर्टाइजिंग मार्केट। सो वी हैव, हमारे पास राउटर्स हैं, बेंडिंग, ये सब बेंडिंग मशीन्स हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम बेंड करते हैं। देखिए ये हमारे बेंडिंग टाइप्स ऑफ, 3 types of बेंडिंग मशीन्स हैं। सो ये है हमारा सेमी ऑटोमेटिक। सो इसमें लेटर्स बेंड करते हैं, एल्यूमिनियम चैनल इसमें फीड होता है। फीड होने के बाद बेंड होके थ्रू सॉफ्टवेयर बन के आता है, फिर इसको इससे हम लोग साइनेजेस बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग लिक्विड लेटर्स के लिए बनाते हैं। अच्छा, ये सेमी ऑटोमेटिक? ये सेमी ऑटोमेटिक है। ओके। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अभी हम सेमी पर ही रहते हैं। और सर अगर इसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड तक? 0.2 mm की एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है इसकी। और ये काफ़ी अच्छी मशीन है, क्वालिटी वाइज, बिल्ट वाइज लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, इसका लो मेंटेनेंस है ये। और इसकी हीट रेसिस्टेंसी की बात कर रहे तो? हीट नहीं, इसमें कोई हीट नहीं है। कोई हीट नहीं है? कोई हीट नहीं है। कंटिन्यूअसली आप कितना टाइम पीरियड तक? 8 घंटा 9 घंटा आप कंटिन्यूअसली चला सकते हैं इसको। ओके। तो सर जैसे ये है कि साइनेज बनाने में कितना टाइम पीरियड लगता है इसको? ये बहुत जल्दी बना देता है एक्चुअली। अगर ये लेटर, ए लेटर अगर बनना है तो आपको लेस देन 3 मिनट्स लगेगा। ओनली 3 मिनट्स में विंडो के आ जाएगा? लेस देन 3 मिनट्स। ओके, 3 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। ओके। ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग है, टॉप ऑफ द बोलते हैं ये हाईएस्ट सेलिंग मशीन है, C180। दिस इज अ फुली ऑटोमेटिक मशीन एंड इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली वेल बिल्ड एंड वेरी हाई एफिशिएंसी मशीन विद लो एक्यूरेसी। 120 मशीन बेच चुके हैं लास्ट 1 ईयर में। 120 पैन इंडिया। ओके, इट्स लाइक वंसेस का बेंड भी हो जाएगा इसमें। तो ये दोनों साइनेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट सेलिंग मशीन है ये। तो इसमें देखिए ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें बेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर। सर इसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया है? फुली रीइंफोर्स्ड है, रीइंफोर्स्ड मटेरियल यूज़ किया इसमें। और ये बेल्ट वाइज वेट भी कम है इसका, अराउंड 400 kg है। सो ईजी टू लोड ऑन ट्रांसपोर्टेशन विद बॉक्स पैकिंग आता है ये। सर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसकी? स्पेसिफिकेशंस इसमें फ्लैट एल्यूमिनियम एंड एसएस का रोल्स कर सकते हैं। इसमें दो सैनिज बना सकते हैं आप, एक तो नॉर्मल एल्यूमिनियम वाला लेटर्स बना सकते हैं और एक एसएस का लेटर्स भी बना सकते हैं आप। ओके। सर कोई डेमो दिखा सकते हैं आप? इधर डेमो, इधर से। Thank you.
टाइम पीरियड लगता है इसको बनने में? सेम अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 minutes लगेगा। 3 to 5 minutes बन गया, फिर बाहर आ रहा है आउटपुट। इसमें देख सकते हैं ट्रैक हो रहा है, देखिए ट्रैक होगा कहाँ से कैसे जा रहा है। सर इसके बनने के बाद इसको बैंड करना पड़ता है या अपने आप ऑटोमेटिक अपना होता रहेगा? ऑटोमेटिक कर देगा, फिर आप हाथ से आप फिक्सिंग फिटिंग आप कर सकते हैं। ऐसा हाँ जी उस तरीके से। सर इस तरीके से इसमें पार्टीशन हो जाते हैं, जैसे इसमें ब्रेक दिखा रखा है, जैसे नंबर 2, 3, 4 नोट्स ऑफ कटिंग नोट्स। अच्छा मैनुअली वर्कर की कितनी जरूरत पड़ती है इसमें? मैनुअल में इसमें बहुत कम पड़ती है, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है। आप बस इनपुट देना, डिजाइन इसमें डालेंगे, आप आउटपुट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेंड करके दे देंगे। सर जैसे आपने जी शेप का ये बनाया है तो इसमें शेप और साइज वगैरह? कोई भी शेप, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो इसमें फीड कर देंगे तो बना के दे देगा। तो साइजेस भी मतलब इसमें अपने आप हो जाता है, जैसे आपने बड़ा डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, डिजाइन करके इस पर इनपुट कर देना पड़ेगा, पेन ड्राइव पे इनपुट कर देंगे बना के। ये ऐसा सोने के बाद इसको वेल्डिंग करना पड़ता है, तो ये हमारा वेल्डिंग मशीन है। एसएस का वेल्डिंग मशीन 500 वाट्स का आता है। तो आपके पास से स्टार्टिंग टू एंड तक सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं? सारे सॉल्यूशन हैं, नॉर्मल प्राइस। इसका प्राइस आएगा 6.5 लाख का। अभी देखेंगे वेल्डिंग हो रहा है वी लेटर का प्लेट में। सर ये पॉइंट है जो ये पॉइंट इस पॉइंट तक लेके आना पड़ता है। लेजर आ रहा ना, लेजर वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग विद हैंडल आता है। हैंडल्स भी आप बड़े बड़े लेटर्स अगर हो तो हैंडल्स भी कर सकते हैं, छोटे लेटर्स को आप इस पे वेल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने ऐसे किया तो छोटे लेटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, 5 feet 6 feet का लेटर हो गया तो हैंड यूज कर हैंडल वेल्ड कर सकते हैं। ये हमारा सिग्नेचर मशीन है, सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग। इसके टेक्नोलॉजी पे हमारा कंपनी बेस्ड है। सो इसका टेक्नोलॉजी क्या, लिक्विड लेटर्स। सो हम लोग लिक्विड लेटर्स वी आर द रिवोल्यूशनाइज किए थे यहाँ पे इंडिया में। पहली बार हम ये टेक्नोलॉजी लेके आए इंडिया में। ये सब देखें तो लिक्विड लेटर के बना हुआ है, नॉर्मल एक्रेलिक नहीं है, दीज आर मेड ऑफ लिक्विड। सो लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको ये मशीन में रख के क्योर कर क्योर किया जाता है। ये देखें, सो ये देखेंगे ये सैम्पल है, ये शेल है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो बेंडिंग मशीन में आपने देखा बेंड किया था हमने लेटर को, फिर इसको क्या करेंगे, इसका सीएनसी में टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट बना के बेंड को रख के इस पर रख देते हैं, इस पर रख के इस पर हम लोग लिक्विड पोर करते हैं ऑन द ग्लास। तो सर जो इसका लिक्विड आता है वो भी आप इन-हाउस? हमारे पास है, हमारे मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। तो लिक्विड एक्रेलिक है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग इस पर डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है, इक्वली स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के बाद ये सब यूवी ट्यूबलाइट्स है, अंडर यूवी लाइट इट गेट्स क्योर्ड। और देखेंगे ये पूरा सील हो जाता है, एल्यूमिनियम के साथ सील हो जाता है, तो क्या होता है पूरा डस्ट प्रूफ और इंसेक्ट प्रूफ हो जाता है। कोई कीड़े नहीं जाएंगे अंदर, डस्ट नहीं जाएगा अंदर, लॉन्गर लाइफ रहेगा। सो इसमें थ्री लेटर्स बनाते हैं इसको, 3D प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। ये भी पार्ट ऑफ साइनेज है, इसमें भी हम लिक्विड डाल सकते हैं, लिक्विड लेटर्स बना सकते हैं आउटपुट का। इस मशीनरी से जो प्रोडक्ट यूज बनाया गया वो दिखाएंगे सारे उसी के बने हुए। 3D साइनेज वो भी इसका ही है, दिल्ली का मैप बनाया है वो भी इसी से बना है। okay. ये बीस्ट जियो सब इसी से बना है। तो ये हमारे मैंने आपको मशीन का एक डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये हमारे मटेरियल्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, ये हमारे रॉ मटेरियल्स का मेनली LEDs। ये हमारे चैनल रोल्स है, दो एल्यूमिनियम मशीन में जो यूज़ करते हैं बेंड करने के लिए।
सर आपका ये है कि मशीनरी के साथ साथ आप रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सारा सॉल्यूशन आप मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक सारे सॉल्यूशन हमारे पास है। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं हमारे पास, क्या क्या एलईडी हमारे हम लोग सिर्फ स्ट्रिप एलईडी यूज़ करते हैं, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट वी आर यूजिंग। सर आप क्या क्या मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे पास एलईडीज, मतलब साइनेज सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको वो हमारे पास मिल जाएगा। ओके साइनेज एलईडीज मिल जाएगा, पावर सप्लाईज मिल जाएंगे, एल्युमिनियम पैनल रोल्स, आपका मशीन खरीदना है मशीन भी बना देंगे, आपको प्रोडक्शन देना है हमको प्रोडक्शन भी करके देंगे, एवरीथिंग लाइक फुल सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइनेजेस। अगर कोई मशीनरी लेना नहीं चाहता, प्रोडक्शन देना चाहता तो प्रोडक्शन दे सकता है। ओके अगर नहीं उसको बना रहा है उसको एलईडीज चाहिए रोल्स चाहिए तो हमसे ले सकता है, वो भी देता है। तो सर जैसे आउटडोर की भी बात होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए इंडोर और आउटडोर, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है? इंडोर के लिए क्या बोलते हैं, छोटा छोटा लेटर्स जो आता है, ज़्यादा बड़ा लेटर्स नहीं बनाते इंडोर के लिए, छोटा लेटर्स बनाते हैं। तो छोटा लेटर्स में तो 3D लेटर्स देखेंगे आप, वो 3D लेटर्स वो इंडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो लिक्विड लेटर्स है, SS के लेटर्स है, वो सब आउटडोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब हमने CMT लगाया ऊपर में, पूरे आउटडोर्स के लिए लिक्विड लेटर्स। सर जैसे आउटडोर के लिए है कि LED लाइट्स वगैरह है, तो वाटरप्रूफिंग का क्या हो? ये सब हमारे जो LEDs हैं वो सब पूरे IP67 वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लाइफ है, 80,000 आवर्स का वर्किंग टाइम है इनका। और LEDs देखेंगे हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको, तो LEDs को आप लोग डिप भी कर सकते हैं वाटर में, वाटर रेसिस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा। आप पानी में डाल के इसलिए दिखा रहे हो क्या, जब बारिश आया कुछ भी है तो कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा। तो इसका लाइफ टाइम की वारंटी कितना टाइम? वारंटी 2 साल के देते हैं हम लोग, 2 साल दो साल के देते हैं। सर जैसे अल्फाबेट की बात करें तो प्राइस की बात करें तो किस तरीके से आप प्राइस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग को, क्योंकि प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो डिफर होता है, तो हम लोग वी विल गिव यू द प्राइस लिस्ट एंड एवरीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट। यहाँ पर आपने कलरफुल भी दी, कलरफुल टाइप्स ऑफ कलर्स हमारे पास जो मिलते हैं अवेलेबल कलर्स, ऐसा नहीं है कि वाइट ही है, कलरफुल भी सब सब कुछ है। और इसमें देखिए कितने छोटे लेटर्स में हम लोग LED लगा सकते हैं, इसका एडवांटेज वही है कि छोटे छोटे लेटर्स में आप LED लगा सकते हैं। और ये वाला है, ये डिफरेंट कलर टेम्परेचर LED का, ये देखेंगे तो 3200 केल्विन मतलब वार्म वाइट जैसा हो गया, 4500, 6500, 10,000 जो है नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग, इससे थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए तो 12,000, उससे थोड़ा ब्राइट चाहिए तो 14,000, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। सर को स्टार्टअप करना चाहता है तो आप कहाँ कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से करेंगे? उनको स्टार्टअप चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू विद द मशीन्स, क्या करना है उनको, कैसे करना है, कैसे कैसे पहले प्रोडक्शन में उनको करना है या मशीनरीज लेना है या उनको सिर्फ रॉ मटेरियल्स लेके रीसेलिंग करना है, सो दे कैन डिसाइड ऑन दैट। हमारा फैक्ट्री चेन्नई में है, सो दे कैन एनी टाइम दे कैन कम टू अवर फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में हमारा पूरा सेटअप है, प्रोडक्शन चलता है हमारा, मशीन्स चलते हैं, मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल्स हमारे रहते हैं, हमारे स्टॉक पर रहते हैं, तो वो दे कैन चूज व्हाट दे वांट। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि लाइक वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर नीड्स स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड। या थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हेलो सर। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय सेल्फ अफजल खान, हम लोग साइनेज इंडस्ट्री के टोटल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे सॉल्वेंट मशीन्स, इको सॉल्वेंट, लेजर, राउटर, कटिंग प्लॉटर, यूवी, रोल टू रोल एंड फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन्स। इसके अलावा हम लोग सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट मशीन्स के लिए इंक भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कैलरॉन चेनबैंक के नाम से है। तो सर जो ये इस एक्सपो में आप मशीनरी लेके आए हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में। ये हमारी 4000 GS मशीन है, इस मशीन पर हम आउटडोर इंडोर दोनों की प्रिंट, दोनों के लिए प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्लैक्स, अभी फ्लैक्स का रोल लगा हुआ है, इस पर हम लोग आउटडोर के लिए जितने भी मीडिया आते हैं रोल शेप में सबको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स, विनाइल, वन वे विजन, ट्रांसलाइट एंड फैब्रिक,
बैकलाइट एंड फ्रंट लाइट। तो सर इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो कितनी लेंथ होगी इसकी? ये मशीन फुल लेंथ मशीन है, 10.5 फुट प्रिंटिंग एरिया की मशीन है। तो इसमें कस्टमाइजेशन भी हो जाती है? जी मैम। तो मिनिमम साइज टू मैक्सिमम कितना? इसमें हम 1 फीट से लेके और 10.5 फीट तक का कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, लेंथ में कितना ही भी हो सकता है। हमारे पास में और काफी सारी मशीन है। आउटडोर प्रिंटिंग के लिए 8000 मॉडल है। अगर हम इस मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड है इस मशीन की। ये हमारा आउटडोर के लिए टॉप मॉडल है। तो सर इस मशीनरी में भी कस्टमाइजेशन हो जाती है? जी जी, आपका कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन है आप इसको इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा DTF प्रिंटर है जिसमें XP600 का हेड लगा हुआ है। इस मशीन की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ भी डिजाइन प्रिंट करके हम उस पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रिंट हो रहा है फिल्म पर, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा प्रिंट है, इसमें से ही कट किया हुआ है स्टिकर। ये हमने इसमें से फिल्म पे से इसको अलग किया और इसको हम डायरेक्टली किसी भी हार्ड सरफेस पर हम पेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक है किसी पर या कहीं किसी भी वुडन मेटल और आपका एक्रेलिक हो गया, आपका जैसे फोन कवर्स हैं, लैपटॉप कवर्स हैं या कोई भी हार्ड सरफेस होना चाहिए। सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है, सिर्फ हार्ड सरफेस हो उस पर आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये काफी सारे इस पर स्टिकर पेस्ट किए गए हैं। ये हमारा स्टिकर है, इसको हम अगर जो इसको किस तरह से पेस्ट करना है वो देख सकते हैं। इसको हम जस्ट पेपर रख के इस तरह से पेस्ट करना है सिंपली और ये हमारा प्रिंट तैयार हो गया। ये हमारी मेनली एप्लीकेशन। इसी तरह किसी भी हार्ड सरफेस पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये इन शॉप का मैक्सिमम यूज रहता है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये कभी ख़राब नहीं होता और ये वॉशेबल भी है। और अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मग, बोटल्स, मोबाइल कवर, लैपटॉप कवर और किसी भी ट्रॉफीज, मोमेंटोज, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो टेबल टॉप के बहुत सारे हमारे आइटम्स होते हैं उन पर आप प्लेस करके उसमें। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको कंप्लीट होने में? अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 10 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड है इस मशीन की। सर आप मशीनरी ही प्रोवाइड कराते हैं या अगर किसी को इंक चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड? हम लोग मशीनरी के साथ साथ हम लोग इंक में भी डील करते हैं। पहले हम लोग इंक इम्पोर्ट करते थे, अभी हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं जो कि कैलरॉन चैनबैंग के नाम से यहाँ पर रहेगी। तो एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमारा प्रोडक्ट एक बार देखिएगा, यूज़ कीजिएगा, इंडस्ट्री का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास में। और अगर साइनेज सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम लोग कंप्लीट साइनेज सॉल्यूशंस देते हैं। हमारे पास में साइनेज इंडस्ट्री की कंप्लीट रेंज है, आप जो भी प्रोडक्ट चाहिए हो, सॉल्वेंट मशीन, इको सॉल्वेंट मशीन, लेज़र, राउटर, कटिंग प्लॉटर, इंक, एवरीथिंग इज इंडेक्स पे हम अवेलेबल है। थैंक यू सर अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। थैंक यू। हेलो सर, स्टार्टिंग विद योर नेम एंड योर कंपनी नेम। यस, माय नेम इज श्रेयस, आवर कंपनी नेम इज भारती क्रिएशंस। हम यहाँ पे DTF प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। DTF प्रिंटिंग में आप डायरेक्टली फिल्म के ऊपर प्रिंट करके टी शर्ट के ऊपर हीट ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। वैसे विनाइल जो स्टिकर पेपर आता है उसका और DTF का मिक्सिंग करके अब दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ यूज़ करके ये सैम्पल्स हमने इसके बनाए हुए हैं। सर आप क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं वो दिखाएंगे जरा, आपके पास कौन कौन सी मशीनरी है? जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे फिल्म के ऊपर हमारा प्रिंटिंग हो रहा है तो कस्टमर एंड के पास उनके पास हीट प्रेस मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो 15,000 से हमारी हीट प्रेस मशीन यहाँ पे मिल रही है, तो 15,000 का बेसिक इन्वेस्टमेंट लेके आप वो हीट प्रेस मशीन परचेस कर सकते हो। जो भी प्रिंटिंग पार्ट है हम प्रिंटिंग बना के उनको भेज देंगे, बस हीट ट्रांसफ़र उनको यहाँ पर देना है। ये है 15,000 की मशीन जिसमें टी शर्ट का बड़ा साइज वाला प्रिंटिंग भी इसमें हो जाएगा। यहाँ पे 10 सेकंड का इसको हीट ट्रांसफर टाइम सेट करना है और 10 सेकंड के बाद जो भी ये DTF फिल्म के ऊपर प्रिंट किया हुआ जो भी मैटर है वो टी शर्ट के ऊपर हीट ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इजीली रिमूव हो जाता है ये? यस, इसको 10 सेकंड के लिए आपको ठंडा कोल्ड रखना है और बाद में इसको रिलीज करना है। तो ये स्ट्रेचेबल है, वॉशेबल है और इसकी 40 वॉश तक लाइफ है। ये फोर कलर DTF, फोर कलर DTF जो स्टिकर पार्ट है, दिस इज विनाइल। तो सर जो ये स्टिकर है वो आपके इनहाउस ही बनते हैं? यस, हमारे पास बल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले यूनिट्स है, इसमें हम 25 पैसा पर स्क्वायर इंच के हिसाब से प्रिंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम प्रिंट बना के जब उनको दे दें, कस्टमर्स को हम दे रहे हैं, तो वो अपने एंड के यहाँ पे वो टी शर्ट के ऊपर हीट ट्रांसफ़र करके जो प्रिंटिंग है वो बना रहे हैं। ऑलरेडी DTF के प्रिंटर्स हैं, उनको पेट फिल्म पाउडर और इंक का भी सप्लाई है, बट जिनके पास मशीन नहीं है और उनको प्रिंट सर्विस चाहिए, तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में 25 पैसा पर स्क्वायर इंच में वो सर आप ये भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं कि अगर मशीनरी नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी करा देते हैं? यस, हम मशीन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सर्विस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि DTF मशीन हैंडल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भी बिगनर्स है, फ्रेशर्स है, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनका पूरा काम आसानी से उनको प्रिंट बना के दे रहे हैं, बस उनको मैनुअल हीट प्रेस से हीट प्रेस करके टी शर्ट के ऊपर वो ट्रांसफ़र करना है। तो ये एक आसानी होगी एंड यूज़र कस्टमर को जिनको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर प्रिंटर के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्रिंटर लेके जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है लगभग उतना ही हम सेलिंग कॉस्ट हमारा है, क्योंकि हमारा बल्क प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो आप कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं उनको? हम एक्चुअली स्टार्टअप लोगों के लिए हम पूरा हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज हम शेयर करें। जैसे सर मशीनरी दी आपने, मशीनरी के बाद आप एक डेमो भी देंगे, डेमो के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी शॉर्ट आउट कराने में कहाँ तक हेल्प कराते हैं? ये पूरा यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सपोज़ अगर हम प्रिंटर देते उनको, तो प्रिंटर चलाना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है बिगनर के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर कोई बिगनर है और कोई बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहता है और अगर ऑलरेडी ये लाइन में भी है, तो हमारा जो प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है और सर्विस बहुत फास्ट है, वन डे डिलीवरी दे रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि वो हमारा प्रिंटिंग सर्विस वो हमसे ले ले। और जो भी हीट ट्रांसफ़र करना है, उनका पुराना टी शर्ट हो या नया हो, कितना क्वान्टिटी जो भी है, बस उनके एंड के ऊपर वो कहाँ पे भी लोकेशन पे वो टी शर्ट के ऊपर वो हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है रादर देन बाइंग बिग मशीन फॉर DTF मैन्युफैक्चरिंग का। और जितने भी कंप्लेंट्स और सजेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी हम आगे आने वाले टाइम में उसको हम कॉन्फिडेंटली अच्छा बनाना चाहते हैं। अभी ऑलमोस्ट इट्स 100% परफेक्ट स्टेबल टेक्नोलॉजी, बट कस्टमर की इंडियन मार्केट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो टेस्ट है, उनको जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको हम थोड़ा मैच करके यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं, गेटिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन, सेम डे डिलीवरी प्रोसेस। तो मैं अपने इंटरनल जो भी प्रोसेस है उसके लिए हम उसके ऊपर काम करें, तो आने वाले टाइम पे इसका हमारे कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ कस्टमर सडनली हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सपांशन भी हो रहा है और सर्विस के लिए हम उतना ही कॉन्शियस है, जैसा हमने हमारा पंचलाइन है कि सेम डे डिलीवरी, तो वही उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर इसमें सेटिस्फाई भी है। थैंक यू सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हेलो सर, स्टार्टिंग विद योर नेम एंड योर कंपनी नेम। मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है और हमारी जो कंपनी है वो साहिबाबाद में हमारी फैक्ट्री है, जो अभी हम लोग इंडिया में और मुंबई में हमारा ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, पटना में ऑफिस है और एक फैक्ट्री बिहार में मुजफ्फरपुर में है, जहाँ से हम लोग ऑपरेशन देखते हैं। अभी हम अपना नया जो सेटअप है वो साउथ में जा रहे हैं, हम लोग बैंगलोर में अपना एक सेटअप डालने जा रहे हैं। सर आपने जो अपने प्रोडक्ट शोकेस किए हुए हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके वर्किंग के बारे में बताएंगे? हाँ, ये सारा हमारे यहाँ खुद का है, हमारे यहाँ खुद ही बनता है, हमारे यहाँ सारी फैक्ट्री लगी हुई है साहिबाबाद फैक्ट्री में, जहाँ पर हम लोग जो है इसको तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल जहाँ तक है वो सारा का सारा हम लोग खुद का इम्पोर्ट है, हमारे लोकल मार्केट से हम नहीं खरीदते हैं।
तो सारा कुछ इन हाउस है, सारा इन हाउस है हमारा, उसकी वजह से हम कस्टमर को बहुत अच्छे रेट्स में हम दे देते हैं। यहाँ भी और भी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन लोगों के रेट में और हमारे रेट में क्वालिटी वाइज भी हम लोग काफ़ी बढ़िया सप्लाई करते हैं कस्टमर। सर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, अभी ऑनलाइन तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन ही हम लोग करते हैं। कस्टमर से हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर लेके उनको हम लोग वो करवाते हैं। सर आप दिखाएंगे किस तरीके से, किस मटेरियल का यूज़ करते हैं आप बनाने के लिए? हमारे ये जो अभी जो है वो मोस्टली इसमें जितने भी जो साइनेज बने हुए हैं वो सारे सॉलिड एक्रेलिक के बने हुए हैं। एलईडी का आपको पता ही है कि आजकल नया जो है वो लाइटिंग में एलईडी का है, तो इन सब के अंदर में जो लाइटिंग जो यूज़ किया गया है वो एलईडी यूज़ किया गया है। तो एलईडी की वजह से है कि बिजली का खर्च भी कम होता है और काफ़ी बढ़िया दिखता है, इसका जो देखने जो है वो काफ़ी बढ़िया लुक वाइज रहता है। हम लोग की कुछ खासियत है, स्पेशलिटीज़ है, काफ़ी अच्छे मशीनों से हम लोग इसको बनाते हैं ताकि कस्टमर का जो है काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है, जो बोर्ड का काफ़ी बढ़िया लाइफ भी रहता है बोर्ड का, ताकि हमेशा बार बार उनको बदलना ना पड़े। एक बार बोर्ड लगाने के बाद जो है 4-5 साल तक आराम से ये लोग लगाते हैं बढ़िया क्वालिटी का जो है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है 4 या 5 साल? हाँ, 4-5 साल तक रहती है बोर्ड का, तो जब तक बोर्ड है तब तक रहता है। हमारे पास जो स्टाफ रहते हैं तो हम उसको फिर सर्विस भी देते हैं, यदि ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस भी करवा देते हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट का भी ऑफर होता है। सर जैसे ये एलजी का है तो इसको कौन से मटेरियल से बनाया गया है? ये जो है एक्रेलिक ही है, सारा एक्रेलिक से। ऑलमोस्ट जो बेस मटेरियल होता है ना साइनेज में वो एक्रेलिक ही यूज़ करते हैं। साइड में किसी में एल्युमिनियम लगता है, किसी में एक्रेलिक लगता है, किसी में मेटल लगता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बस जो बेस जो मटेरियल है वो एक्रेलिक का रहता है। तो सर जैसे क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लेते हैं आप? डिपेंड करता है क्या साइज़ का बोर्ड रहता है, कितना क्वान्टिटी रहता है, 1-2 दिन में भी हो जाता है, महीनों का चलता है। जैसे हमारे पास पूरे सिटी का प्लान आया हमारे पास कि पूरे सिटी का साइनेज चेंज करना है, तो उसमें फिर 1 मंथ मतलब लग जाता है, 15 दिन से 1 महीने तक के बीच का समय रहता है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सर मिनिमम ऑर्डर कितना लेते हैं आप? ऐसा कुछ मिनिमम नहीं रहता है, हमारे कस्टमर का जो भी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग। अच्छा, एक बोर्ड भी बनवाना चाहे तो? हाँ, बिल्कुल 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 तैयार करो आप, ये भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? हाँ 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 बिल्कुल। सर अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो ये भी जानना चाहेगा कि आप कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, यहाँ अभी तो हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई यदि करना चाहेगा तो बिल्कुल करते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर में जो है और लोगों के साथ जो काम करते हैं, काफ़ी 200 कस्टमर के साथ उन लोगों को देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास यूनिट है, तो उनको छोटे छोटे जहाँ बोर्ड बनाना चाहते हैं लोग ना, हम लोग लेटर बना के उनको प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ के हमारे से काम करवा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट रहता है नॉर्मल से। ये कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल क्वालिटी का मतलब क्वालिटी अपने आप बोलता है हमारा, क्वालिटी को कहने की आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट खुद बोल देते हैं। बिल्कुल। सर अगर आपसे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहता है तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? डिपेंड करता है कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट रहता है, क्या कुछ सीखना चाहता है, कैसे बनाना पड़ता है, तो वो हर चीज़ हमारी फैक्ट्री में एक अलग टीम है उसको हैंडल करती है। सर अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिएगा। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट तो बढ़िया है। ओके, थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।